हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और हमने आपको रीसेंट व्लॉग में दिखाया था, हम गए थे छपोरा फोर्ट और अगुड़ा फोर्ट गए थे, तो इतना खास मज़ा आया नहीं था उसमें। छपोरा फोर्ट में मज़ा आया था, वो थोड़ा अच्छा था, वहाँ से व्यू भी अच्छा दिख रहा था। पर एनीवेज, अभी हम लोग एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे मतलब पुर्तगीज टाइप का जो मतलब वो है, वहाँ पे वाइब है। और वहाँ पर जो है जो अपनी स्ट्रीट्स और वॉल्स है ना, वो सारी मतलब उनमें ग्राफिटी बनी हुई और कलरफुल, मतलब कलरफुल टाइप की वो अलग से वो लगती है, सिटी लगती है। तो वो आपको दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने जो होटल रूम चेंज किया था, तो हमने अभी नया रूम लिया। हम आए और हमने रेस्ट वेस्ट करा, मतलब आधे घंटे का रेस्ट करा, खाना पीना खाया। मैं आपको पहले रूम दिखा देता हूँ, यहाँ वाला रूम कैसा है। तो रूम कुछ इस तरह है, जो पहले था वो हमारे पास अपार्टमेंट था, तो उसमें किचन विचन सब था। इसमें किचन विचन तो नहीं है, बस एक इन्होंने रेफ्रिजरेटर दे रखा है छोटा सा, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर दे रखा है छोटा सा। अभी हम लोगों ने जो सेंटर किया तो थोड़ा वैसी है। यहाँ पर वॉशरूम है, उसकी कितनी बड़ी बालकनी है। ये स्लाइड वाला डोर है बालकनी का यहाँ से, और काफ़ी सही लुक है इसका देखो। और ये थोड़ा सा पहाड़ी वाला लुक यहाँ से मिल जाता है, देखो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, वो पीछे भी पहाड़ है। और उस साइड में है बागा बीच, उस साइड में बागा बीच है, और ये सारी वही बागा बीच की पार्किंग है। यार आप लोग व्यू देखो, हम लोग अभी रास्ते में ही हैं, फाउंटेन हाउस जा रहे हैं, बट इसका व्यू देखो आप, कोकोनट ट्री हर जगह, और ये तो दोनों तरफ है। ये देखो, ये यहाँ के लोकल्स के घर हैं। मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हूँ, यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे घर हैं, मतलब बाहर से इतना अच्छा स्ट्रक्चर है उनका। ये देखो कितने सारे, कितना सुंदर लग रहा है ये, मतलब हर जैसे पहाड़ों की एक अलग वाइब होती है, यहाँ पे एक अलग वाइब है, हर जगह कोकोनट ट्रीज है। देखो इस साइड भी देखो आप लोग, बहुत सुंदर। और अभी सनसेट होने चला है, सनसेट होने का टाइम हो रहा है, तो इस टाइम पर हमको उससे पहले पहुंचना है, तो हम लोग जस्ट ट्राई कर रहे हैं हम जल्दी जल्दी पहुँच जाए, बिकॉज आते आते अंधेरा होता है, बट उस हिसाब से वैसे सेफ है गोवा। अब बाकी ये देखो आप लोग व्यू देखो, अभी सनसेट का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर हल्की हल्की धूप हल्के की छाया हो रखी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। अभी हम लोग हैं पनवेल, आज संडे है तो आज टूरिस्ट ज़्यादा है इस प्लेस में। अभी हम लोग जिस एरिया में है वो कम्प्लीट एक नया एरिया है हम लोगों के लिए। ये इस तरफ आई थिंक कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, नहीं सॉरी ये एक कार्निवल की थीम है, राइट। ये देखो यहाँ पे कार्निवल होता है, एक बहुत बड़ा कार्निवल। हमारे पास इतने अब दिन बचे नहीं है गाँव में घूमने के लिए, तो हम लोग ये भी कवर करते आपको दिखाते। बाकी यहाँ पर क्रूज़ भी होता है, क्रूज का चार्जेस हमने पूछा तो 500 है एक इंसान का, 500 है। तो ये सारे गोवा के क्रूज है जहाँ पे पार्टी होती है। अगर आप पार्टी के शौकीन हो रात को, तो आप लोगों को पनाजी में आना पड़ेगा, क्रूज यहीं से मिलते हैं। ये देखो सब, ये देखो बिग डैडी कैसीनो, ये देखो आप बिग डैडी कैसीनो है, और भी बहुत सारे लगे हैं। हमारे पास इतने दिन बचे नहीं है गोवा में भी रहने के लिए, नहीं तो हम लोग अटेंड करते। ये एरिया है फाउंटेन हाउस का जहाँ हम लोग को जाना था। यहाँ पर मतलब कलर्स देखो आप, घर के कितने अच्छे कलर है, और यहाँ पे अलग ही वाइब आ रही है। पहले हम पार्किंग कर लेते हैं, फिर आगे की बात आगे करेंगे। ये देखो घर देखो, पहले इधर के सारे घरों के सामने जा रहे हैं। वहाँ पे लिखा भी है कि फोटो नहीं लेनी, लेकिन लोग ना उन लोगों को अपने घरों के सामने कलर इतने प्यारे हैं। नहीं यहाँ पे घर भी वैसे ही बन रखे हैं, देखो सारे घर इधर देखो, कितने विंटेज हाउसेस हैं सारे, तो ये काफ़ी एक अच्छी वाइब आ रही है अपने आप में। ये भी इधर भी है यार, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसे लगे यहाँ के, जो इधर रेस्टोरेंट भी हैं और घर भी हैं बहुत सारे, कैफेज हैं। ये देखो इस एरिया के बारे में यहाँ विजिट करना है कोई डाउट हो तो हमको आप कमेंट पे लिख सकते हो। हाँ, हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपके सारे डाउट हम क्लियर करें। बाकी आगे चलते हैं, आई थिंक ये पूरा एरिया ही वही है। हाँ उधर उधर को बाकी इतना सारा हम कवर कर नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि अभी यहाँ पे शाम भी बहुत हो गई और हम अपने होटल से बहुत दूर आ गए हैं। ये लगा लो कि 22 किलोमीटर्स आगे हम आ चुके हैं,
तो हम ज़्यादा इसको कवर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम फटाफट फोटोज़ क्लिक करेंगे अच्छी अच्छी और डाल देंगे कहाँ पर, इंस्टाग्राम।